जो कि हरियाणा पुलिस के सिविल वर्दी में गुंडे कहूंगा, वो गुंडे हमारे कैंप में आके हमारी तरफ पंजाब एरिया में आके हमारे लोगों को पकड़ के ले गए। हमारे जो व्हीकल है, ट्रैक्टर, गाड़ियां, मेडिकल की गाड़ी, मेडिकल का जो कैंप था उसको तोड़ा, और मेडिकल में जो वॉलंटियर काम कर रहे थे उनके बाजू तोड़ दिए। गुंडों ने उस लड़के को ट्राली से निकाला क्योंकि उसके ऊपर कृपान ऊपर से पहनी हुई थी, खुला धारा था, उसको पकड़ के उसकी टांग तोड़ दी और उसको बोरी में डाल लिया। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ है ये तो बताया भी नहीं जा सकता, यार रो रो के बताया। मेरा मन जो है इतना मैं बता नहीं सकता कि जितना मैं अब बल्कि ये दुखद कहानी सुन के संभल नहीं पा रहा। उन्होंने उसने कहा कि मेरे को बाथरूम आ रहे थे इस तरह, लेकिन उन्होंने जो यूरिन बैग भी उन्होंने 6 घंटे के बाद लगाया है। बार बार वो कह रहा है, बोला तो जा नहीं रहा, इशारा कर रहा है लेकिन नहीं रहा। और 4 दिन उसने उसकी पोटी की हरकत हुई, हजरत मतलब के वो भी नहीं करवाई गई। अरे 4 दिन उसने वो मुंह से तो पानी नहीं पी सकता था, उसका ये जबाड़ा टूटा हुआ है, दांत टूटे हुए हैं, ये नीचे गिरा था, यहां भी नहीं। तो उन दरिंदों ने उसको पानी भी नहीं पिलाया। ये कहते रहे कि आप नाक से नाली डाल के इसको पानी तो पिला दो, कुछ लिक्विड तो दे दो, मुंह से तो कुछ ले नहीं सकता, लेकिन 4 दिन तक कुछ नहीं रहा। मैं 21 तारीख को जिस वक्त हमारा प्रोग्राम था 21 तारीख 11 बजे हरियाणा बॉर्डर क्रॉस करने का, जो हमारी कॉल थी, क्योंकि हम लोकतंत्र में शांतमय ढंग से अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। लेकिन 21 तारीख को जब हम आगे जाने की तैयारी कर रहे हैं, उस वक्त हरियाणा बॉर्डर पे जो खनौरी बॉर्डर है, उस बॉर्डर पे जो हरियाणा पुलिस और फोर्सों के गुंडे, उन गुंडों ने हमारे ऊपर गोलियां बरसाई। और आपने सारा कुछ देखा होगा कि खेतों में बैक साइड तो जिड़ा है वो उन्होंने सिर च गोली मारी। एक बच्चा साडा मौके ते शहीद हो गया, बहुत सारे फटड़ हो गए। 21 तारीख नूं तां मैं जिड़ा सी उन्हां दी सारयां दी देखभाल करदा रहा, सारी रात उत्थे लंघी, डलेवाल साहब गए, उन्हां नूं भी उत्थे जिड़ा सी वो एडमिट वगैरह कराया, सारी 21 तारीख दी रात इत्थे लंघी। 22 तरीक नूं जदों खबरां मिलियां कि बहुत सारे नौजवान जिहड़े ने जो कि हरियाणा पुलिस के सिविल वर्दी में गुंडे कहूंगा, वो गुंडे हमारे कैंप में आके हमारी तरफ पंजाब एरिया में आके हमारे लोगों को पकड़ के ले गए। हमारे जो व्हीकल है, ट्रैक्टर, गाड़ियां, मेडिकल की गाड़ी, मेडिकल का जो कैंप था उसको तोड़ा, और मेडिकल में जो वॉलंटियर काम कर रहे थे उनके बाजू तोड़ दिए। उसी वक्त प्रीतपाल सिंह लड़का जो कि नए गांव तहसील मोनक जिला संगरूर, 32 साल का लड़का है, ये उनके माता जी हैं, और वो साबत सूरत वो बाणी और बाणी से जुड़ा हुआ, बहुत ही शरीफ, निहत शरीफ वो लड़का लंगर की सेवा कर रहा था। और जब उधर से गुंडे आए, उन गुंडों को देख कर वो भाग के ट्राली में बढ़ गया, जो मेरे को पता चला। उस वक्त उन गुंडों ने उस लड़के को ट्राली से निकाला क्योंकि उसके ऊपर कृपान ऊपर से पहनी हुई थी, खुला धारा था, उसको पकड़ के उसकी टांग तोड़ दी और उसको बोरी में डाल लिया। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ है ये तो बताया भी नहीं जा सकता।
उसका ये चेहरा फेस के सब हड्डियां टूटी हुई हैं, उसकी टांग दो जगह से टूटी हुई है, उसके शरीर का एक इंच भी हिस्सा नहीं बचा जहां पर गुंडों ने उस पर हमला नहीं किया। और सबसे दुख बात ये कि यहां से पकड़ के तो फिर उसको वो रोहतक ले जाते हैं, पीजीआई में उसको एडमिट करवा देते हैं। पीजीआई में एडमिट तो करवा दिया 21 तारीख रात को शाम को ही, और हमारे सरपंच साहब कुलवंत सिंह वो भी और उस बेटे के माताजी हम ये भी चले गए। लेकिन जो इन्होंने बताया, रो रो के बताया, मेरा मन जो है इतना मैं बता नहीं सकता कि जितना मैं अब मतलब ये दुखद कहानी सुन के संभल नहीं पा रहा। उन्होंने उसने कहा कि मेरे को बाथरूम आ रहे थे इस दिन, लेकिन उन्होंने जो यूरिन बैग भी उन्होंने 6 घंटे के बाद लगाया है। बार बार वो कह रहा है, वो लद जा नहीं रहा, इशारा कर रहा है लेकिन नहीं रहा है। और 4 दिन उसने उसकी पोटी की हरकत हुई, मतलब के वो भी नहीं करवाई गई। अरे 4 दिन उसने वो मुंह से तो पानी नहीं पी सकता था, उसका ये जबाड़ा टूटा हुआ है, दांत टूटे हुए हैं, ये नीचे गिरा था, यहां भी नहीं। तो उन दरिंदों ने उसको पानी भी नहीं पिलाया, ये कहते रहे कि आप नाक से नाली डाल के इसको पानी तो पिला दो, कुछ लिक्विड तो दे दो, मुंह से तो कुछ ले नहीं सकता। लेकिन 4 दिन तक कुछ नहीं रहा। जब 22 तारीख को मेरे को पता चला, मैंने इनसे संपर्क किया, पता चला कि गांव के सरपंच वहां पर हैं, तो मैं सरपंच साहब से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि कोई भी इलाज नहीं हो रहा। मैं उसके बाद सभी से बात करी। मैं बताता हूं, थोड़ा सा ऐसे है कि जब बात सारी नहीं बताई जाएगी जो मेरे साथ वापरी, जो मैंने अपनी आंखों से देखा। लेकिन जब उनको कोई भी इलाज वहां नहीं हुआ, मैं हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में जाने के बाद मैं अपने वकील मतलब के इश्वनीत से पटिशन तैयार करवाई, और उस दिन हड़ताल थी, हड़ताल होने के कारण वो जा नहीं सके। लेकिन इंसानियत जिंदा, वकीलों की हड़ताल थी, पर मेरे को वहां जब मैं बार में गया तो सरदार लखविंदर सिंह सिद्धू, परमजीत सिंह बराड़, सरताज सिंह तूर, 2-3 वकील और थे उनके साथ, तो मेरे को देख के मेरे पास आ गए। सारी हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि आप पेश आ जाओ। मैं उनसे रिक्वेस्ट कही कि वकील साहब, मैं अपना पक्ष कानूनी ढंग से नहीं रख सकूंगा, आप कृपा करो। वो कहने लगे कि हमारी हड़ताल है, हम पेश नहीं हो सकते। मैं, यार हड़ताल तो आपने हमारे लिए की और हमारा एक बच्चा तो चले गया, अरे दूसरे बच्चे को तो बचा लो। एकदम जैसे बिजली का शॉट लगता है, वो कह देगा हम जाएंगे कोर्ट में जाएंगे, बेशक हमारे को कुछ भी किया जाए, हमारे को निकाल दे। मेरे को हौसला हो गया, वहां पर सेट किया, सो कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने मानयोग हाई कोर्ट के जज साहबान ने उसी वक्त सुन के बाद ऑर्डर कर दिए, मेरे साथ वारंट अफसर भेज दिया। मैं रात को 12 बजे पहुंच गया, जाके जब इनकी हालत देखी, ये ताजी हैं। जो वहां पर फिर हुआ वो बात तो ये आप बताएं, किस तरह से वहां का जो पुलिस जो SHO था वहां पर आया और वो कहने लगा ये लाज हो रहा है। आपने मेरी वीडियो देखी होगी जो मैं लाइव होके वहां पर चलाइया, मैंने SHO पूछा, SHO तेरा काम इलाज करना तो नहीं हो, तो मेरे को डॉक्टर बुला, किस डॉक्टर ने इसका इलाज किया है, ये हालत इलाज की दिख रही है, हुआ इलाज? अरे तुम तो इसको पानी के घुट भी नहीं पिला सके, मुंह से तो पी नहीं सकता, 4 दिन से इसको कुछ भी नहीं गया इसके अंदर, शर्मशार। लेकिन ढीठ इतने बार बार कह रहे, इनके ऊपर दबाव कि आप बताओ इसका इलाज नहीं हो रहा। अरे मुर्गू से क्यों पूछता, मेरे से पूछ, मेरे को बता, डॉक्टर को बुला। डॉक्टर आया, डॉक्टर का भी नहीं, सो मैं ज्यादा ना संभालू,
वहां से 14 घंटे जो बहुत मशक्कत करने के बाद मेरे को धमकी भी दी, डराव दिया। मेरा भतीजा साथ था, उसको भी लागे, इनको भी दुमाते रहे कि इसको कहो कि ये लाइव हो रहा है, ये बंद करे, नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मैंने कहा कि जो मैंने करना था अब दुनिया को पता चल गया, अब मेरे बच्चे की जान बच जाएगी, मेरे साथ जो भी होगा मुझे परवाह नहीं। फिर वहां से लेकर चले, लेकिन वहां पर जिस आदमी ने हमारे को सहयोग दिया मैं उसका भी आभारी हूं, मैं उसका नाम लेने से गुरेज नहीं करूंगा। वहां का जो सुपरिटेंडेंट था कुंदन शायद नाम है उसका, और वहां का एक किसान राठी नाम से है, पूरा नाम मेरे याद नहीं है, उस राठी साहब ने मेरे को पूर्ण सहयोग दिया, और जो सुपरिटेंडेंट था उसने भी मेरे को सहयोग दिया, और 14 घंटे की मेहनत के बाद फिर उस बच्चे को मैं लेके यहां पर हॉस्पिटल में आया। और जो मेरे को अकाल पुरुष पर भरोसा है कि मेरे बच्चे की जान बचेगी, अब मेरे को भरोसा आ गया। और डॉक्टरों को और पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टरों पर मुझे भरोसा है, यकीन है कि ये डॉक्टर ठीक ढंग से इलाज करके मेरे बच्चे को बचाएंगे। कल विक्रम वो कह रहे कि हम लेके आए थे। देखिए मैं राजनीतिक लोगों की बात नहीं करता, वहां से कैसे आया कैसे नहीं आया उस तरफ तो मैंने जाना ही नहीं। मेरे को क्या, मेरे को तो बच्चा बचना चाहिए। लेकिन मजीठिया ने क्या किया,